जी हाँ, डाकणे या फिर डाकणी, जिसे विज्ञान आज भी नहीं मानता, और जो मानते हैं उन्हें मानसिक तौर पर बीमार बता दिया जाता है। लेकिन रुको, ये बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग जो प्रकृति से हमेशा अनजान रहे हो, वो भला डाकणों के बारे में क्या ही बता सकते हैं। परंतु मैं आज आपको बताता हूँ कि डाकणे वास्तव में होते हैं, और वह किसी भी व्यक्ति को किसी भी टाइम देखते ही आदमी के सर को दर्द करवा सकते हैं, जिसे गांव की भाषा में पाला देना भी कहते हैं। आपको बता दें कि यह पाला कई तरह का होता है। कभी कभी इंसान को यह बहुत खतरनाक दर्द पहुंचा सकता है। कहा जाता है कि डाकणे अगर किसी व्यक्ति को पाला देना चाहते हैं तो पहले अपने पीठ को या फिर पीठ के निचले हिस्से को खुजालते हैं। खुजालते वक्त वह अपने मुँह से कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं। आपको बता दें कि पाला देने में उन्हें क्षण भर का समय लगता है और व्यक्ति को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। ये दर्द किसी दवा गोली से कम नहीं किया जा सकता। इसका इलाज एक बड़वा या कोई दिव्य शक्ति वाला इंसान ही कर पाता है। मालूम हो कि इन डाकणों से निपटने के लिए प्रकृति ने कुछ दिव्य शक्ति से संपन्न इंसानों को भी जन्म दिया है। याद रहे, डाकणा पाला देने के अलावा और भी खतरनाक बीमारी लगा सकता है, जो कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। बता दें कि ये डाकणे इंसानों के शरीर के अंदर बिना ऑपरेशन के जादुई शक्ति से प्रवेश तक कर जाते हैं और आपकी मृत्यु भी करा सकते हैं। खैर, ये सारी जानकारी किसी और वीडियो में बता देंगे। अभी आपको सिर दर्द से, जो कि बुरे लोगों के द्वारा कराया जाता है, उससे निपटने के तरीके बता देते हैं। याद रहे, जब भी कोई औरत या बदसूरत आदमी आपको एक मीनार से देख रहा है और अपने हाथों को शरीर पर कहीं खुजाने लगे, तो आपको उसे नज़र नहीं मिलानी और आप भी लगातार अपने सिर के बालों को खुजालते रहे। जी हाँ, बालों को तब तक खुजालते रहे जब तक सामने वाला वहाँ से चला ना जाए या फिर आप उसकी नज़रों से दूर ना हो जाओ। मैं आपको इन डाकणों की बुरी नज़र से बचने के लिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। याद रहे, अगर आप ऐसे बुरे लोगों के आसपास के इलाके में रहते हो तो आपको हमेशा साथ में राई के दाने रखना चाहिए। राई को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि राय एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर प्रकार की बुरी नज़रों से आने वाली शक्तियों से आपको बचाती है। मान्यता है कि अगर कोई जादू देने वाला इंसान आपको कुछ करता है और आपके पास राय है, तो वो आपको तब तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक राय के दाने वो गिन न ले, और राय के दाने गिनना संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने साथ राय के दाने लेकर घर से बाहर जाया करें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरी ये जानकारी समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प जानकारी को लेकर। तब तक के लिए अलविदा।